टू हर राइट नाउ एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक। और अभी हमारे पास जो है मेरे साथ और लीडर्स हैं कनेक्टेड, जिनके साथ हम आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। तो इस श्रेणी में मेरे पास जो है सबसे पहले मैं अभी जो नाम लूंगा वो मैं नाम लूंगा एक ऐसे पर्सन का जो कि एक हाउसवाइफ थी, बहुत ही सिंपल, और वो टीचिंग के लिए अपना एक बैचलर्स का कोर्स कर रही थी। और जब वो ये कोर्स कर रही थी तो ऑफ कोर्स कुछ करना चाहती थी, कुछ सपने थे और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, और इसीलिए ये कोर्स कर रही थी कि पढ़ाएंगी एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर पाए। और यही करते करते उनके हस्बैंड जो कि एक बैंकर थे, उन्होंने उनको जो है एक गिफ्ट किया, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, और वो थी ओरिफ्लेम की इनकम अपॉर्चुनिटी। और ये उनका बर्थडे गिफ्ट था और इससे उन्होंने स्टार्ट करा और अपनी इस सफलता की जर्नी पे वो आगे बढ़ चुकी हैं। ओरिफ्लेम के साथ बहुत सारे सपने पूरे कर चुकी हैं। उनके हस्बैंड उनके कदम से कदम मिला के उनके साथ चलते हैं। ना सिर्फ अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, अपने परिवार की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, बल्कि सैकड़ों हजारों लोगों को अपने नेटवर्क में जोड़ा और बहुत सारी जिंदगियों को बदला। तो मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे डायमंड डायरेक्टर जो कि सीनियर डायमंड का हाईएस्ट टाइटल ले चुके हैं, 4 लाख रुपए का कैश अवार्ड ले चुके हैं। मैं मिलवाना चाहूंगा आपको आरती और शिशिर चौरसिया से। सो ओवर टू यू आरती। मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू जी, आपने हमें यहाँ इस लायक समझा कि बुलाया, और हम सभी लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन लोगों ने भी हमें इस लायक समझा। और आज मैं कंपनी को बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था इस अपॉर्चुनिटी का लेना। ये जरूर मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट था, लेकिन इसको मैंने बहुत दिल से अपनाया, और मैं आज आप लोगों के सामने अपना पैशन शेयर करूंगी। आज उन सभी लोगों को शुक्रिया भी अदा करूंगी जिन लोगों ने मेरी लाइफ में इस अपॉर्चुनिटी को और ज़्यादा फलने फूलने दिया, जिसमें सबसे पहले मैं थैंक यू अदा करना चाहूंगी उनको जिन्होंने मुझे यह अपॉर्चुनिटी दी, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड जो मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने मुझे शेयर की। और फिर उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगी अपनी माँ की, जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ हमें पाला पोसा, और ये विलिंगनेस उनकी उनके वजह से ही हमारे अंदर आई कि हम चाहे कितनी भी मुश्किलों में हो, हम अगर कुछ चाहते हैं तो उसे पा ही सकते हैं। और मैं और भी जिन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, उनमें है हमारी सुपर अपलाइन जो जिन्होंने हमें इस काम को करना सिखाया, वो है हमारी आंटी सुधा सिंह और सीपी सिंह अंकल। उन सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं ये क्योंकि आज भी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, वो हमारे लिए माता पिता की तरह हैं। और चूंकि मेरे पास इस समय घर में कोई इन लॉज नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए इस तरह से साथ देते हैं, जब भी कभी कोई परेशानी होती है वो हमेशा हमें हेल्प करते हैं। और एक और शुक्रिया जिनको मैं अदा करना चाहूँगी, वो हमारी सुपर अपलाइन अर्चना जी को, जिन्होंने जिनका पहली बार न्यूज़लेटर में मैंने डबल डायमंड रिकॉग्निशन देखकर और उनकी स्टोरी पढ़ के कि उन्होंने पहले ही साल में 22% किया, उसके बारे में बताने के लिए वो जरूर से बताना चाहूंगी, उनको जरूर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि पहला रोल मॉडल मुझे कोई मिला तो वो ही मिला। और लकीली जब हमने पहले महीने में जब हमने 28 मार्च 97 में से ज्वाइन किया था, तो पहले ही महीने में मेरा 6% लेवल हुआ, जो कि मुझे बड़ा अजीब लगा कि कोई इस उस एक महीने में 22 कर लेता है और मैं सिर्फ 6 करके रह पाई, तो कुछ तो जरूर है, कमी चलना पड़ेगा। और हमने इसे सीखने के लिए जब हम दिल्ली गए तो हमारी मुलाकात शिशिर जी से हुई,
और सॉरी मैंने शेयर नहीं किया था। आप अपना स्लाइड शेयर करेंगे या मैं आपकी स्लाइड शेयर करता रहूं यहाँ पर? मैं कर सकती हूँ। कहा था आप करेंगे तो अब वैसे नो प्रॉब्लम है, सही हो जाता है तो मैं करती हूँ। ओके आई थिंक शेयर हुआ है। हेलो, ये मेरा डेस्कटॉप शेयर हो रहा है, आप मुझे बताती रहिए, मैं स्लाइड चेंज करता रहूंगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो मैं जहाँ पर थी अर्चना जी के बारे में बता रही थी, और उन्होंने जब हम पहली बार दिल्ली गए कि हमें सिर्फ यही लेवल हुआ और हमें ज़्यादा चाहिए, देन हमें उन्हीं से मुलाकात हुई हमारी, और उन्होंने हमें कुछ टिप्स दिए और हम वापस आके फिर से काम करने लगे। सेकेंड मंथ में हमारा लेवल हुआ 15%, और जो चेक था उस चेक ने हमें बिल्कुल भी पीछे कभी मुड़ने के लिए नहीं दिया, क्योंकि उस चेक ने ही हमारी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया था, चेंज कर दिया था। क्योंकि हस्बैंड मेरे बैंक में जॉब करते थे, और उस समय जो उनकी सैलरी थी उससे जस्ट डबल इनकम हमें ओरिफ्लेम से सेकेंड मंथ ही मिली, जो कि हम पार्ट टाइम कर रहे थे। हम सिर्फ पार्ट टाइम काम कर रहे थे, और हस्बैंड बैंक से लौट के आते थे, हम दोनों लोग मिलके कभी किसी से मिलते, कभी किसी के पास जाते, और रोज का रोज इस काम को करते हुए जब सेकेंड मंथ में ही हमें पार्ट टाइम करके फुल टाइम जॉब से डबल इनकम मिली, तो फिर मैंने अपने लिए, क्योंकि मैंने बीएड किया था और मैं अपने लिए जॉब तलाशती से पहले ये मेरे हाथ लगा, और ये हुआ कि अभी तो स्कूल खुलेंगे नहीं, वो स्कूल बंद होने का टाइम होता है मार्च अप्रैल, और जब खुलेंगे तब जॉब के लिए जाएंगे, पहले इसे करते हैं। और हम लोगों ने इन छुट्टियों वाले समय में बहुत अच्छे से इस काम को किया, और पहले ही साल में मैंने इससे पहला डायरेक्टर लेवल, गोल्ड डायरेक्टर लेवल सब अचीव कर लिया। और ये सब कुछ इतनी तेजी से सारे नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म होता चला गया। आप रुक जाइए, मैं बात करूंगी, उसके बाद बात करूंगी। तो अभी हम जब इस काम को करते गए और हमारा पहला साल, पहले ही साल हमने इस काम को किया, और पहले ही साल में जब हमने इस काम को करने से पहले शुरुआत जो की वो ड्रीम से की, वो ये कि हमने तय किया कि इस काम से हम अपने लिए कार लेंगे। और ये जो रीज़न था जिसके पीछे मैंने इस काम को शुरू किया था वो था कार, क्योंकि हम तीन लोग थे फैमिली में, मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड, और हम लोग जब भी कहीं जाते तो स्कूटर पे दो लोग ही निकल सकते थे, तो इसलिए हमें नीड लगती थी कि कार होती तो हम सब लोग एक साथ निकलते, हम बहुत हैप्पी फैमिली बिता रहे थे, सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन काम में हमें कार की ज़रूरत लग रही थी और उस अर्निंग से कार नहीं मिल सकती थी, और लगा ओरिफ्लेम हमें एक इस अपॉर्चुनिटी से हम अपने लिए कार ले सकते हैं। और पहले ही साल जब हमने इसे अपने लिए कार ली और हमने गोल्ड डायरेक्टर का लेवल भी अचीव किया, तो हमें ऑटोमेटिकली एक और चीज़ मिली जो कि अनबिलीवेबल थी, वो थी हमारा फॉरेन ट्रिप जो हमें पहले ही साल मिल गया। और फॉरेन ट्रिप मिलने पर हमें मौका मिला सिंगापुर जाने का, जिसके लिए मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि वो ऑल ऑफ द सडन था और मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, सिर्फ शिशिर जी के पास बाई लक पासपोर्ट था, और शिशिर जी को जाने का मौका मिला। वो पहला और आखिरी ट्रिप था जो मैंने इनको अकेले जाने दिया, और पहले ही साल में मेरी अर्निंग 50,000 के आसपास पहुंच चुकी थी, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और ऑब्वियसली हमने पैसे के लिए भी काम किया, हमने ट्रिप्स के लिए भी काम किया, और ये सारे सपने मैंने बनाए ओरिफ्लेम से, और ओरिफ्लेम ने ही हमें मौका दिया इस तरह से सपने सजोने का, बड़े सपने देखने का। और ये काम, ये सफ़र इसी तरह से आगे बढ़ता गया, और ये है मेरी कुछ ग्लिम्प्स जो आगे बढ़ाएगा एक स्लाइड, जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। ये मेरा पहला फॉर्म जो ओरिफ्लेम में मैंने ज्वाइन किया, और ये लेटर जो ओरिफ्लेम से मुझे इशू हुआ, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ का था, और मैंने शुरुआत की ओरिफ्लेम से। और नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम अपने इसी साल मैंने अपना डायरेक्टर लेवल और गोल्ड डायरेक्टर लेवल भी किया, और उसके बाद हम सीनियर गोल्ड और सफायर और डायमंड, ये सारे लेवल्स करते चले गए, जिसमें हमने सारे सफ़र को करने में खुद से
ट्रेवल करके छुट्टियों के दिन पार्ट टाइम ली कर करके इतना अच्छा बढ़ा लिया कि आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ इसे फुल टाइम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इस काम को मैंने बिना ऑफिस के, जब मेरे पास ऑफिस नहीं था, ऑफिस के बगैर इस काम को कर रही थी। और हमें ट्रेनिंग देने के लिए, हमें काम करने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड करिएगा सर, तो यहाँ पर हमने जो भी अचीवमेंट्स किए, यहाँ हम बिना ऑफिस के इन चीज़ों को कर पा रहे थे। और इसमें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी लोगों को मोटिवेटेड रखने की, लोगों को इक्विप्ड रखने की, क्योंकि उस समय हमारे पास सब कुछ ऑफलाइन हुआ करता था। हमारे ऑर्डर्स भी ऑफलाइन लगते थे, हमारे ज्वाइनिंग्स भी ऑफलाइन होती थी, सब कैप वगैरह भर के सब कुछ होता था। तो हम जो भी कुछ करते थे, हमें नहीं मालूम कि हमें क्या मिलने वाला है, कौन सा लेवल होने वाला है और हमारे पास कौन से ऑर्डर में प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। ना ही हमारे पास कोई वेलकम प्रोग्राम होता था, ना ही हमारे पास कोई कैटलॉग ऑफर होता था, एक ही कैटलॉग पूरे साल चल रही होती थी। लेकिन ऐसे समय में भी हमने सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तरफ फोकस किया और आगे बढ़ते गए। इतने सारे नेटवर्क को मोटिवेटेड रखना है, लोगों के प्रोडक्ट्स जो गलत आते थे उसको चेंज करना है। हम पूरे हमने कोई भी शहर नहीं छोड़ा, जो भी हमारे जानने वालों का था, जिनके जो भी हमारे रिलेटिव्स थे, हमने सभी रिलेटिव्स को अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर की, हमने सारे फ्रेंड्स को अपनी अपॉर्चुनिटी शेयर की। क्योंकि उस समय ये फेसबुक व्हाट्सएप इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती थी कि हम सोशल मीडिया में या दूसरी जगहों अननोन लोगों से बात कर सकें। हम अपनी लिस्ट पे ही काम करते थे और लोगों को भी वही लिस्ट पे काम करना सिखा रहे थे। और इसी में हम सीखते और सिखाते, क्योंकि हमारी ब्रांच हमें 7 साल के बाद मिली और तब तक हम अपने नेटवर्क को कैसे जीवित रखते, हम अपने नेटवर्क को कैसे एक्टिवेट रखते, उसके लिए हमने अपनी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग स्टार्ट की, जो कि हमारे घर पे, लकली मेरा घर बहुत बड़ा घर है और उसमें बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था, और जिसकी वजह से मैं उसमें एवरी संडे और एवरी थर्सडे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर पाई, जहाँ पर मैंने एक दिन ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का रखा और एक दिन अपॉर्चुनिटी शेयरिंग का रखा। ऑब्वियसली हम दोनों लोग मिलकर इस काम को कर रहे थे, तो इसमें हमारे साथ शिशिर जी का बहुत बड़ा हाथ है। और संडे संडे हमने जो रखा था वो अपॉर्चुनिटी शेयरिंग का, क्योंकि वो बैंक में जॉब करते थे और छुट्टी संडे के दिन होती थी, और हम लोगों ने इसे अलग अलग शहरों में फैलाने की कोशिश की। कई बार तो ऐसा भी होता था कि हम एक मीटिंग अपने लखनऊ शहर में करते थे और दूसरी मीटिंग शाम को हम कानपुर में करते थे, और इस तरह से करके लौटते थे, तो मस्ती करते हुए लौटते थे। इस तरह से हम लोगों ने काम को बहुत इंजॉय करते हुए किया और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क भी किया। और शायद मैं अपने घर वालों को इस मामले में, मेरी मदर को खुश नहीं रख पाई, क्योंकि मेरी लोकल ही शादी हुई थी, मैं अपने मायके कभी जाके नहीं रहती थी, क्योंकि मैंने काम को बहुत इम्पोर्टेंस दी और मैंने कहा मम्मी तुम तो बगल में हो, जब ज़रूरत है तो मैं सामने आ जाऊँगी, मैं पास आ जाऊँगी, आधे घंटे में आप तक पहुँच जाऊँगी। इस तरह से हमने इस काम को आगे बढ़ाते हुए सिर्फ और सिर्फ इस काम को इम्पोर्टेंस दी। और इसी बीच मेरा बेबी भी हुआ, मेरे बच्चे को भी मैंने इसी काम को करते करते किया। आउटस्टेशन करती थी, बच्चे के लिए 2 दिन की ड्रेसेस रखती थी और रख के और चली जाती थी, क्योंकि एक दिन तो वो मैं जाके मीटिंग करूंगी जिस दिन, उस दिन नहीं होंगी, दूसरे दिन जब लौटूंगी सुबह तब भी बच्चा स्कूल जा चुका होगा, तो उसकी यूनिफॉर्म कौन देखेगा, क्या करेगा। तो ये सारी प्रिपरेशन यानी टाइम मैनेजमेंट, जो कि मैंने अपनी एक और माँ, जिसको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, वो मेरी मदर इन लॉ को देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाया कि कैसे आप अपने काम को आगे से प्लान करके कर सकते हैं, कैसे आप सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें सीखते हुए करते हुए आज मैं लोगों को, जैसे लोगों से सीखा और वो इम्प्लीमेंट किया, और वही काम मैं अपने नेटवर्क में सिखाने की कोशिश करती हूँ। वो कहती हूँ कि घर भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, फैमिली भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये काम जो आपको कुछ अलग अंजाम देगा, कुछ अलग पहचान देगा, उसमें आइए और उसमें अलग पहचान दीजिए। क्योंकि खाना तो हर कोई बना लेता है, घर भी हर कोई संभाल लेता है, अपने बच्चों को भी हर कोई अच्छा इंसान बना लेता है, अच्छी पढ़ाई करवा देता है, लेकिन अपनी पहचान, जिसकी वजह से आपके बच्चे आपको याद रखें कि मेरी माँ ने ये जो करके दिखाया और ये जो लेवल्स हुए
और ये जो पहचान है आपकी या आपकी फैमिली जिसमें कि आप बैकबोन की तरह साथ में खड़े हों, जब आपको कभी घर में कोई ऐसी मुसीबत आए, जब आपके घर में कभी ऐसी कोई परेशानी आए, आप घर के लिए काम नहीं कर रहे, घर के में आप कमा के लाके देने के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है कि कभी आपकी कमाई आपके लिए, आपके परिवार के लिए बैकबोन बने। तो आगे बढ़ाइएगा हज जी, मैं चाहूँगी कि आप इसमें आगे बढ़ें। ये सारे लेवल्स हमने इसी में पाए और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे इस जर्नी में, जिसमें कि हमने आगे बढ़ाते जाइए, जिसमें मैंने ये डायमंड का लेवल, सीनियर डायमंड का लेवल, ये मेरा बेटा है जो कि अब 18 इयर्स का हो चुका है और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, जस्ट नेक्स्ट कर लीजिएगा, दिन में आगे बात करूँगी। तो हम लोगों ने इस काम को इस तरह से करके ये सारे लेवल्स तो पाए, बहुत सारी सक्सेस ना केवल अपने लिए कमाई, आज मेरे पास एक बहुत बड़ी टीम है और बहुत सारे नेटवर्क में लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस मैंने इस काम को करने में जिन चीज़ों पे दिया वो था रिक्रूटमेंट, नेक्स्ट स्लाइड, जिसको मैंने पहले दिन से ही अपनाना शुरू कर दिया था। मेरा पहला मंथ मैं कम से कम 5 लोगों को रिक्रूट करी, दूसरे महीने भी 5 लोग, ऐसे ये आज की डेट तक मेरा रिक्रूटमेंट चलता रहता है और आज कोई भी ऐसा मंथ नहीं जाता जब मेरा रिक्रूटमेंट नहीं होता, और यही मैं लोगों को समझाती हूँ। शायद इसी वजह से, इस रिक्रूटमेंट के, एवरी मंथ रिक्रूटमेंट की वजह से आज मैं अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर पाई हूँ, इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाई हूँ और सबसे अच्छा पैसा भी कमा पाई हूँ। अगर रिक्रूटमेंट नहीं होता तो शायद मैं गोल्ड लेवल पे भी 1,00,000 रुपया नहीं कमा रही। तो ये सारी चीज़ें उस जमाने से मैं कमाने लग गई थी, पाने लग गई थी, जो रिक्रूटमेंट हमारे नेटवर्क की पावर है। और हमारे नेटवर्क में जब हमने इस काम को किया तो हमारे पास जिससे हमने गोल्ड डायरेक्टर लेवल किया वो लोग हट गए, जिससे मैंने सीनियर गोल्ड किया वो लोग भी हट गए, जिससे मैंने सफायर किया वो लोग भी हट गए। लोग हटते जाते थे लेकिन मैंने काम को नहीं रोका, क्योंकि मेरा काम करने का तरीका नेटवर्क बनाते हुए, रिक्रूटमेंट करते हुए आगे बढ़ते जाने का था। मैं कभी किसी के ऊपर बेस होकर काम नहीं कर रही थी और यही मैं सबको समझाती और सिखाती हूँ। ये मेरा मैसेज है सबको कि अगर आपका टारगेट, आपका गोल आपको दिख रहा है तो आप किसी की वजह से उसको नहीं करेंगे, आप अपनी वजह से करेंगे। और आगे बढ़ाइएगा अहद जी, थैंक यू। रही बात उसको अपने नेटवर्क को मोटिवेट करने की, जिसके लिए ट्रेनिंग्स की बात, जैसा मैंने बताया कि मैं दिल्ली से सीखती थी, जहाँ कहीं भी मीटिंग्स या ट्रेनिंग्स होती थी वहाँ ज़रूर से जाती थी। मेरे हस्बैंड स्टेट बैंक से छुट्टी लेते थे और हम दोनों लोग जाके वहाँ प्रेजेंट होते थे, और जब हमारे ब्रांच में मीटिंग्स होने लगी, कोई वहाँ प्रेजेंट हो ना हो, मेरा नेटवर्क हो ना हो, मेरे डाउनलाइंस वहाँ पर हो ना हो, बट मैं उस मीटिंग में ज़रूर होती थी। मेरे नेटवर्क में लखनऊ में सारे के सारे डायरेक्टर्स हैं, जो लीडर्स हैं, इन सब लोगों को मैंने इंडिपेंडेंट मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स करना सिखाया, उनके घरों में स्टार्ट करवाई मीटिंग्स, और ये लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने, नेक्स्ट स्लाइड, जब हम अपने लोगों में ये भरोसा दिला पाते हैं कि जो चीज़ मैंने की है वो आप भी कर लोगे, तो अपने आप लीडरशिप आने लग जाती है और हम उनको धीरे 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 अपनी चीज़ें सिखाते हुए काम उनके ऊपर सौंपने लगते हैं। और यही मेरे नेटवर्क का की पावर है, जहां हम लोगों को एक एक चीज़ सिखाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे वो ऑर्डर लगाने का तरीका हो, चाहे वो मीटिंग्स करने का तरीका हो। और क्रिएटिविटी ज़रूरी हमारे नेटवर्क में डालने की कोशिश करती हूँ मैं, कि जहाँ पर वो अपना दिमाग अपने तरीके से प्रेजेंट करें, अपनी मीटिंग अपने हिसाब से करें, जहाँ पर वो अपनी खुद की जो ड्रीम है उसको इसके साथ जोड़ें। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा सर, जहाँ पर मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी, नेक्स्ट स्लाइड सर, डिसिप्लिन इन वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि हम सारे पूरे इन पिछले कितने भी साल जब से हमने ओरिफ्लेम में ये मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स रखी हैं, कोई भी संडे, कोई भी थर्सडे ऐसा नहीं जाता था जब हमारी मीटिंग्स नहीं होती थी, चाहे कोई फेस्टिवल ही क्यों ना पड़े, चाहे हमारी क्लोजिंग ही क्यों ना पड़े, हम लोगों ने रेगुलर बेसिस पे इसको जारी रखा। ये डिसिप्लिन हमने अपने नेटवर्क में अभी तक रखा हुआ है और आज वो बदल कर ऑनलाइन में भी आ गया है,
और इसी का नतीजा है कि मैं अगर मीटिंग में थोड़ा लेट भी हूँ बट हमारे लोग वहाँ पर बैठे होते हैं और ये मुझे बहुत अच्छा फील करवाता है कि ये मैंने लोगों की आदत में शामिल कर दिया है कि अब हमारी मीटिंग अगर इस दिन है तो है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस टाइम पे प्रेजेंट हों, इस टाइम पे आएँ। और हम लोग इसको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा सर। आज की डेट में हमारे नेटवर्क में बहुत सारे सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर, सफायर डायरेक्टर, डायमंड और सीनियर डायमंड भी हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें हमारे नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप डेवलपमेंट की वजह से हुई हैं। और आज हमें लगता है जो हमारा नया सक्सेस प्लान है, हम पहले से ही इस पे काम कर रहे थे कि हमारे पास नेटवर्क में लगभग हमारी जो फर्स्ट लाइन्स हैं वो सब की सब गोल्ड लेवल पे ज़रूर से पहुँचे। और ये मेरी कोशिश रही और काफ़ी हद तक मैं उसमें सफल भी हूँ। और मैं लोगों को यही एडवाइस करूँगी कि वो गोल्ड से नीचे किसी भी नेटवर्क को ना रखें ताकि आपका नेटवर्क स्टेबल रहे, इस्टेब्लिश रहे। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा सर। अब हमारे वर्क की बात मैं कहना चाहूँगी, जहाँ मैंने अपने बारे में ही सारी बातें बताई। मैं इस काम को शिशिर जी की वजह से कर रही थी, शिशिर जी ने ही मुझे ला के ये अपॉर्चुनिटी दी और शिशिर जी मेरे साथ इस काम को कर रहे थे पार्ट टाइमली, और मैं घर में रह के इसे लगभग फुल टाइम या बहुत अच्छा समय दे पाती थी। उस समय हम लोगों के पास ऑफिस नहीं था तो घर में हम दिन भर ज़्यादातर कोशिश करते थे लोगों से कॉलिंग करना, लोगों से बात करना, और शाम को ही हम कहीं कहीं जाते थे, यानी अपॉइंटमेंट लेना और जाके बात करना। तो हम लोगों ने दोनों ने अलग अलग पार्ट बांटा हुआ था। थर्सडे मेरी मीटिंग होती थी प्रोडक्ट प्लानिंग की और संडे हस्बैंड की मीटिंग होती थी अपॉर्चुनिटी मीटिंग एंड प्लानिंग को लेकर। तो शिशिर जी जो पार्ट लेते थे वो ये प्लानिंग, एग्जीक्यूशन और नेटवर्क मोटिवेशन का। तो अब ये जो पार्ट है वो शिशिर जी का है जो वो देना चाहेंगे। पहले वो स्टेट बैंक में थे लेकिन अब वो मेरे साथ फुल टाइम इस काम को कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि शिशिर जी से जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लो महसूस करती थी क्योंकि इनका जो पहचान थी वो गिनीज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इन सब चीज़ों में होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करना। मैं बहुत ही साधारण फैमिली से थी तो मैं अपने बारे में यही बताना चाहूँगी कि मेरे को भी ये मन होता था कि काश मेरे बारे में भी कहीं पेपर में निकले, काश मेरे बारे में भी कुछ ऐसा हो, मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि मैं इसकी बराबरी की आके खड़ी हूँ। और थैंक टू ओरिफ्लेम की ओरिफ्लेम करने के पहले ही साल में मेरे बारे में बिजनेस टुडे में निकला, बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए। और फिर उसके बाद जब मेरा सफायर लेवल हुआ उसी समय मेरे पास मनी टुडे का इंटरव्यू आया और वो पहली मैगजीन थी उस ब्रांड की जिसमें मुझे पूरे एक पेज का कवरेज मिला। और ये सारी चीज़ें ओरिफ्लेम से मुझे मिली जो कि बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ जिस बात के लिए कि आज मुझे भी ऐसा मौका मिला कि मैं अपनी कहीं पे एक ऐसी अलग पहचान बना पाई। और ओरिफ्लेम ना केवल आपको फेम देता है, ना केवल पैसा देता है, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करता है और बल्कि बहुत उससे ज़्यादा कुछ देता है और जो मुझे मिला। और अब मैं शिशिर जी को बोलना चाहूँगी क्योंकि ये उनका भी सपना है और ये उनकी भी कहा जाए कि कोशिश है, मेहनत है जिसकी वजह से हम दोनों लोग इसमें फल फूल पा रहे हैं, मेहनत करके आगे बढ़ पा रहे हैं। और ये अभी सिर्फ हमारा काम नहीं है, हम दोनों का काम है और इसलिए हम अब शिशिर जी को इसमें आगे लाने की बात करेंगे। थैंक यू। थैंक यू शेफाली जी, फेडरिक और सभी मेरे गुरु लोग, अर्चना जी, सुधा आंटी और सभी लोग। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझको आज चांस मिला कि मैं वर्बली शेफाली जी को हैप्पी बर्थडे बोल सकूं। आई एम वेरी लकी। सो दोस्तों, बात जहां तक आरती लेके आई उसके आगे की जो मैं बात बताना चाहता हूं, आरती ने बताया मेरे पर्चे में मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका था ओरिफ्लेम स्टार्ट करने से पहले फॉर बीइंग द फास्टेस्ट टू व्हीलर ड्राइवर इन द वर्ल्ड। तो अपने खून में, अपने जज्बे में जीतने की ललक तो हो चुकी थी, जीतने की आदत तो पड़ चुकी थी, लेकिन मजा लाइफ में नहीं आ रही थी कि पैसे के बिना लाइफ में मजा नहीं आती।
बैंक की नौकरी बढ़िया नौकरी, भारत का सबसे बड़ा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जॉब, सब बढ़िया, लेकिन सपने बहुत बड़े थे, लगता नहीं था कि इस जॉब से जल्दी कार आ सकेगी। ये जमाना पुराने बात कर रहे हैं, 23 साल पहले जब फिएट और एम्बेसडर का जमाना था, जिस दिन ओरिफ्लेम का प्लान मिला, उस प्लान के साथ में जो चीज मिली वो मैं कभी भी बताना इसलिए नहीं मिस करता कि उस प्लान को जब मैंने देखा था, तो जो प्लान दिखा रही थी मेरी सिस्टर थी, तो उसने मुझको जब न्यूज लेटर दिखाया अर्चना कुमार जी की, जब फोटो मैंने देखी और मैंने जब पढ़ा, उनके ऊपर एक आर्टिकल भी निकला था द हिंदुस्तान टाइम्स में, 2.5 लाख पर मंथ, 2.5 लाख रुपए महीना, मेरे रोकते खड़े हो गए कि दोस्तों 2.5 लाख लोग आज भी नहीं कमाते महीने का, बात 23 साल पहले की। मुझे लगा अगर कोई एक लेडी ऐसा कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बस मैंने निर्णय लिया ये करना है और इस तरह से शुरुआत हुई। तो इसीलिए मैं अपने गुरुओं का हमेशा आदर करता हूं, मैं कभी भूल नहीं पाता किसी भी हिस्से में, किसी भी प्रेजेंटेशन में। तो यहां पे बात अभी हो रही प्लानिंग की। प्लानिंग बॉस सभी चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा हमेशा से मानना है जीतते वही है जिनकी तैयारी अच्छी हो। मैं अपनी टीम की प्लानिंग करता हूं शानदार, बीपीएस करता हूं फर्स्ट 3 डेज में कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या गोल अचीव करना है, और गोल जरूर रखना है, फिर उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन कैसे हो हम लोग उस पर काम करते हैं। और तीसरा जो पार्ट है कीप नेटवर्क मोटिवेटेड, ये मेरा फेवरेट इश्यू है, क्योंकि मेरा ये मानना है आपको कितनी भी नॉलेज हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने स्मार्ट हो, अगर मोटिवेटेड नहीं है तो सारी चीजें बेकार। मोटिवेशन वो चीज है जो किसी से कुछ भी करा सकती है। अरुणिमा सिन्हा जैसी दोनों पैर के बिना वाली महिला एवरेज पे चढ़ सकती है, तो हम आप क्या चीज है। आज जी मैं चाहूंगा नेक्स्ट स्लाइड आप दें मुझे। प्लानिंग में मैंने जैसे आपसे जिक्र किया बीपीएस मेरा फेवरेट पार्ट, फर्स्ट 3 डेज, ये पहले 3 दिन तय करते हैं कि हमको जाना कहां पे। ये मंथ का बिजनेस है, हर मंथ कुछ करना है, तो पहले 3 दिन में तय कर लेना होगा, गोल सेट कर लेने होंगे और कैलेंडर की प्लानिंग कर लेनी होगी। कैलेंडर प्लानिंग मेरा बड़ा फेवरेट पार्ट है। मैं अपनी लाइफ में मजे को बहुत ज्यादा साथ में रखना चाहता हूं, ये नहीं कि सिर्फ काम कर रहे हैं, मजा कुछ नहीं। आपको पता है हम लोगों ने शुरुआत ही की थी ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन के अलावा कोई चारा ही नहीं था। वो समय इंटरनेट का नहीं था, मोबाइल फोन का इजाद नहीं हुआ था, फेसबुक पैदा नहीं हुआ था, व्हाट्सएप आया नहीं था, तो कैसे करते? तो करते सिर्फ ऐसे ही थे, किसी के घर जाके प्लान दिखाना। उस समय ओला नहीं चलती थी, उबर नहीं चलती थी, स्विगी से खाना नहीं आ जाता था, तो मैं जल्दी से जल्दी बैंक की जॉब पूरी करता था, क्योंकि मन के किसी कोने में मैंने रख लिया था जॉब छोड़नी है, अब बॉस ओरिफ्लेम करना, अर्चना कुमार बनना है। और मेरा साथ दे रही थी सुधा सिंह हर वक्त, ये दोनों लोग मेरा लालन पालन कर रहे थे और मैं सीखता जा रहा था। तो दिल्ली से मिल रही थी मदद, मतलब समझ लीजिए मजाक में केंद्र सरकार से मदद मिल रही थी, और मैं इस दौड़ में चल पड़ा इस विजन के साथ कि जॉब छोड़नी है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने जब काम करना शुरू किया, तो हर दिन शाम को हम लोग जाते थे किसी एक के घर, क्योंकि तब प्लान बताने के लिए किसी एक के घर ही जाना पड़ेगा, हर 30 दिन में 30 लोगों के घर जाएंगे तो होगा, तो बहुत मुश्किल था। पहला अचीवमेंट किया था सिर्फ 3 दिन में 6%, 28 तारीख को ज्वाइन किया था, 31 तारीख को मंथ क्लोज हुआ था और 6% हो गया था, लेकिन बनना चाहते थे अर्चना कुमार। पहले 14 दिन में 22%, क्या बात है, रोल मॉडल हिस्ट्री में भी थी आज भी हैं। मैं बार बार इसीलिए उनका नाम ले रहा हूं क्योंकि मेरी हर मीटिंग का हिस्सा वो। तो कैलेंडर प्लानिंग हम लोग करते थे, आज भी मैं जब भी किसी से मिलता हूं मैं कहता हूं तुझमें क्या काबिलियत है तू देख। मेरी गुरु को मैंने देखा, मैं पहले महीने ही 22 करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया क्योंकि 3 ही दिन का पहला महीना था, लेकिन दूसरे महीने जो एक्चुअल मेरा फर्स्ट मंथ था मैंने 15% किया और थर्ड मंथ में मैंने 22% किया। नेक्स्ट स्लाइड सर, एग्जीक्यूशन आप देख रहे हैं, ये हमारी ऑफलाइन मीटिंग्स। अब ऑफलाइन मीटिंग 23 साल में जो भी मैनेजमेंट के लोग बहुत पुराने सब लोग जानते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट मंथ संडे 12 बजे, मतलब शिशिर चौरसिया का OOM, 23 साल में ये मैंने कभी भी ब्रेक नहीं किया, मैंने इबादत की तरह इस काम को किया है। कहते हैं किसी चीज से प्यार तो करो यार, अगर प्यार कर लोगे तो अपने और उसके बीच में कुछ नहीं आने दोगे। यहां तक कि कई बार ऐसा हुआ, मेरी पूरी टीम जानती, अगर जिस दिन दिवाली भी है मैं OOM करने बैठा जरूर, जिसको आना आए नहीं आना आए, मेरा लिए सबसे बड़ा त्योहार वही है। घर में कोई शादी है तो भी मैं जाऊंगा, मुझको करना जरूर है। तो ये मैं यही मैसेज भी देना चाहता हूं कि काम इसी तरह होता है, एग्जीक्यूशन बिल्कुल, टाइम फॉर एक्शन है, इस पे काम करना होगा। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी फोटोग्राफ जो हमारी OOM की ऑफलाइन। सर नेक्स्ट स्लाइड, आवर्स इज द ऑफलाइन बिजनेस। सो इन द बिगिनिंग ऑफ लॉकडाउन, वाओ क्या बात है,
जैसे लॉकडाउन हुआ तो हम लोग तो शेयर थे ऑफलाइन के, अब क्या होगा, लेकिन डे वन मैंने निर्णय लिया कि नहीं, हम लोग को हारना थोड़ी ना है, ये भी सीखेंगे। मेरा हमेशा से मानना रहा है सीख कर हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलती। तो हमने कहा ठीक है ये भी सीखेंगे। इन द मीन टाइम आरती ने एक काम करना शुरू कर दिया था, आरती को भी सीखने की जबरदस्त आदत है और यही हम दोनों का कॉम्बो मिलकर कमाल करता था। आरती ऑलरेडी ऑनलाइन में थोड़ी थोड़ी हर संडे संडे या किसी एक एक दिन एक एक मीटिंग करना शुरू कर चुकी थी और जैसे ही लॉकडाउन हुआ तुरंत हम लोग 100% ऑनलाइन पे आ गए और फिर क्या हुआ, हम लोग ने वंडर्स किए। ये मंथ एंड होने दीजिए, आप लोग रिजल्ट सभी लोग खुद देखेंगे। आपने देखा एक सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ जब हम लोग ने मिनिमम 4 से 5 मीटिंग्स ना की हो। एक सिंगल डे ऐसा नहीं हुआ लॉकडाउन के बाद से कि शाम के 7 बजे मेरी OM ना हुई हो। 100-100 लोग हमारी OM में आते हैं और लॉकडाउन में पूरे वर्ल्ड में जब लोगों के पास कोई काम नहीं है, पता ही आपको किसी के अकाउंट में 5 रुपए क्रेडिट नहीं हो रहे हैं, हमारी टीम में अगर किसी के पास भी 50,000 भी क्रेडिट हो रहे हैं तो ये कितनी बड़ी बात है। हम लोगों ने दिखा दिया अपने ताकत को कि डिजिटल वर्ल्ड से क्या हो सकता है और ओरिफ्लेम का क्या फ्यूचर है। दुनिया में बड़े बड़े व्यापार नहीं चल रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकानें नहीं खुल रही हैं, चेन ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट नहीं चल रहे हैं, कई सारी जॉब्स जा चुकी हैं लेकिन ओरिफ्लेम चल रहा है। सर नेक्स्ट स्लाइड। मेरा फेवरेट बात, द शो मस्ट गो ऑन। ये पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये रुकेगी नहीं। कोई भी संकट आ जाए मेरे और मेरी सक्सेस के बीच में, मैं तीसरा किसी को नहीं आने दूंगा। सर नेक्स्ट स्लाइड। ऑफलाइन ऑनलाइन के कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। मैंने अभी आपसे जिक्र किया 4-5 डेली ऑनलाइन हमारी मीटिंग्स हो रही है, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन OM नहीं हो रही है और स्टार्टिंग इन्वॉल्विंग आवर कंसल्टेंट थ्रू सम कॉम्पिटिशन। अपने ग्रुप में हम लोगों ने कुछ कुछ कॉम्पिटिशन डालने शुरू किया ऑनलाइन जिसके प्यारे रिजल्ट आ रहे हैं और कहते हैं बोलने से बेटर है कि रिजल्ट। अगर ऐसे संकट के समय में जब सामान नहीं आ पा रहा है, सिर्फ एसेंशियल गुड्स का ऑर्डर दे रहे हैं, कहीं रेड जोन है कहीं ऑरेंज जोन है, उसमें भी अगर हम लोग ने वो लेवल भी करके दिखाए, और ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग कर पा रहे हैं, भारत में बहुत सारे अच्छे लीडर्स कर रहे हैं, तो ये कमाल की बात है। अगर इसमें भी अगर कोई डायमंड अपनी 6 लाइन कर रहा है तो एक्चुअली में वो 6 नहीं वो 12 कर रहा है, क्या बात है। तो ये है पावर ऑफ डिजिटल। अब हम लोग ने सीख लिया और मजा सर इतना आने लग गया कि अब हम लोग को लगता है कि शायद आने वाले कल को हम लोग ऑनलाइन ही ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि इसमें जो सहूलियत दिखी वो शायद हम लोग को अभी तक नहीं दिखी थी। एनीवेज अब हम लोग सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं और उस पर तेजी से काम कर रहे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड। ये है मेरा फेवरेट पार्ट, कीप नेटवर्क मोटिवेटेड एंड मजा जरूर करो यार, खूब काम करो और खूब मजा करो। देखिए मेरी पूरी टीम है, मेरे सारे टॉप लीडर्स हैं, हम लोग खूब मजा करते हैं, हम लोग अक्सर मिलते हैं। अभी अब तक ये ऑनलाइन हो गया, अभी तो ऑनलाइन हो गया, हम लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे तब भी हम लोग मिल रहे हैं। आरती हर 6-8 दिन में चाय पे चर्चा नाम का एक ऑनलाइन सेशन करती है, सारी मेरी टीम बैठती है, चाय बना के पकौड़ी बना के सब एक दूसरे को कप दिखाते हैं तो भी काम करते हैं, हम लोग मजा बहुत करते हैं काम में मजा। तो इसके साथ में हम लोग इस तरह से ये फन एलिमेंट भी जो डाला तो वो उससे बढ़िया रिजल्ट आने लगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। इससे पहले कि और आगे हम लोग बढ़े, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि मेरा फेवरेट पार्ट है कि कीप योर टीम मोटिवेशन, तो मोटिवेशन के लिए मेरे पास कुछ चीजें हैं जो हमेशा मैं लोगों से शेयर करता हूं। मैं ये लोगों से कहता हूं कि देखो दोस्त, हमेशा ध्यान रखना, अगर हम बेहतर बनना बंद हो गए तो बदतर होना शुरू हो गए। मैंने झा साहब से एक बात सीखी, उन्होंने हमसे कहा कि लाइफ में हमेशा हर दिन हर महीने हर पल हर साल अपने आप को अपग्रेड करो। उन्होंने मुझको सिखाया कामनी जी ने कि देखो पता नहीं तुम्हारे नॉर्थ के लोग मानेंगे कि नहीं, हमारी टीम में बहुत कम लोग हैं जो खाना बनाते हैं, हमारी टीम की महिलाएं खाना बनाने के वाले समय को क्या करती हैं, यूटिलाइज करती हैं काम में, और खाना बनाने के लिए किसी को 2-3 हजार में रख लिया किसी को। हम लोग ने भी उनकी कॉपी शुरू की, हमारे घर में खाना बनना बंद हो गया। ऑल दो आरती से वेरी गुड कुक, जब मन होता तो बनाती, अदरवाइज उस समय को हम लोग ने इस्तेमाल करना शुरू किया अपने ऊपर, खुद पे काम करने लगे और लाइफ अपग्रेड होना शुरू हुई। उसके बाद मैंने एक चीज देखी कि दोस्त अगर बेहतर बनना है तो क्या करना होगा, जीतना है तो जीत करो। हम लोग ने ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू की जो अद्भुत बातें थी, लोग सुनते थे तो कहते थे पागल है, लेकिन पागल लोग ही इतिहास लिखते हैं, सामान्य लोग तो इतिहास पढ़ते हैं। तो क्या क्या करना शुरू किया हम लोग ने, क्या करना शुरू किया, दिन भर काम करेंगे और शाम का खाना रेस्टोरेंट में ही खाएंगे, क्या बात है, बड़ा मजा आता था। हम लोग ने करना शुरू किया
टू व्हीलर चैंपियन जो गिनीज बुक ऑफ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आ चुका था, मैंने टू व्हीलर्स को बाय बाय कर दिया और कसम खाई आज के बाद मैं अपनी लाइफ को अपग्रेड कर रहा हूं, अब चलूंगा तो हमेशा फोर व्हीलर पे। और उसके बाद आज 10 साल हो गए मैंने टू व्हीलर को हाथ नहीं लगाया, कसमें खानी शुरू की लाइफ को अपग्रेड करने की। और इस कसम में एक और कसम खाई जो अभी तक हम लोग फुलफिल कर रहे हैं, बड़ी टफ है हालांकि वो ये, अब हम लोग ट्रेन और बस में नहीं चलेंगे यार, लाइफ को अपग्रेड करते हैं। हजार हजार किलोमीटर की दूरी है, चलो कार से चलते हैं, और ज्यादा दूरी तो प्लेन से चलेंगे, कुछ तो अलग करें, क्यों ना अलग करें। हमको मिला ओरिफ्लेम, ओरिफ्लेम जो हमारे बड़े से बड़े सपने हैं, जिसको लोग पागलपन कहते हैं, उसको भी पूरे कर सकता है। तो दोस्तों यहां बात करते हैं अचीवमेंट की। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे, 30 फॉरेन ट्रिप्स हम लोग ने अचीव की। देखिए आरती खड़ी है बिल्कुल टाइटैनिक वाले पोस्ट पे, जाके आरती को तुरंत टाइटैनिक याद आ गया। बताइए क्रूज ट्रिप, वन ऑफ द बेस्ट क्रूज इन द वर्ल्ड, ये सब किसको कहां अवेलेबल है, ये है हमारा ओरिफ्लेम। सर नेक्स्ट स्लाइड, ये हमारी टीम, ये हम लोग कोपेनहेगन में है डेनमार्क में। तो इस तरह की बहुत सारी 30 फॉरेन ट्रिप आप समझ सकते हैं कितना अच्छा लगता है अपने पासपोर्ट के हर पन्ने में एक मोहर देखना, ये है पावर ऑफ ओरिफ्लेम। सर नेक्स्ट स्लाइड, ये वन ऑफ द फेवरेट स्लाइड है, इसलिए क्योंकि ये स्टॉकहोम की है, और इसलिए भारत के झंडे को किसी देश में लहराने में जो सर मजा आता है ना, सच में अंदर से आंसू निकलते हैं, किसी को हमें रुलाने की जरूरत नहीं। और कई बार ऐसा हुआ जो हमारे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं उनको अनुभव है, इत्तेफाक से बहुत बार हम लोग 15 अगस्त के दिन फॉरेन में रहे, एक बार हम लोग लंदन में थे और तब यही था, गणतंत्र दिवस के दिन उस देश में जब झंडे को अपने झंडे को लहराया तो लगा क्या बात है, हम लोग किसी क्षेत्र में तो हैं जहां भारत को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये मौका कहाँ है लोगों के पास। ओरिफ्लेम एक इतना अच्छा पैकेज है, मैं क्या क्या बताऊं इसमें क्या क्या मिलता है। उस दिन क्या प्राउड फीलिंग होती अपने देश का झंडा वहां पे फहराना, जब ये लोग यहां पे थे और हम लोग अपने देश में अपना झंडा नहीं फहरा पाते थे, ये प्राउड मोमेंट है। सर नेक्स्ट स्लाइड, पीसा, लोग पढ़ते आते थे कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, कभी सोचा था हम लोग ने बचपन में कि 7 जो वंडर्स हम लोग देख पाएंगे, ये मौका दिया ओरिफ्लेम ने, तो थैंक्स टू ओरिफ्लेम। नेक्स्ट स्लाइड सर, यूनिवर्सल स्टूडियोज, क्या बात है सर, क्या क्या सपने ओरिफ्लेम ने नहीं पूरे किए, सिंगापुर आप देख रहे हैं, तो ये ऐसी तो मतलब हजारों फोटो हैं। अगेन क्रूज ट्रिप, जिस क्रूज ट्रिप को हम लोग को अवार्ड मिला बेस्ट सेमिनार इन द वर्ल्ड का, हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, हम उससे कुछ बढ़ के हैं, हमारे पास है बेस्ट सेमिनार इन द वर्ल्ड, हमारे पास है कैश अवार्ड्स की पूरी लड़ियां, पूरा पैकेज 11 करोड़ का, हम कुछ अद्भुत हैं, हम कुछ खास हैं, ये है हमारा ओरिफ्लेम सर। सर नेक्स्ट स्लाइड, ये सर बहुत प्यारी फोटोग्राफ्स हैं, मेरी पहली कार सॉरी फिएट, पहली कार पहले साल में, आज मैं लोगों से कहता हूं पहली कार पहले साल में, भाई ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं ना तो भी कारें नहीं आती ये है पावर ऑफ ओरिफ्लेम। और ये कार का सफर, क्योंकि मैं ऑटो स्पोर्ट्स में था तो मेरा पैशन था, आज 23 साल की ओरिफ्लेम जर्नी में मैं 17 कारें ला चुका हूं, और आज बहुत सारी मीटिंग सेमिनार में मैं बोलता हूं कि क्या आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कोई भी काम करता हो, कोई भी काम करता हो, उसने 23 साल में 17 कारें एक नंबर के पैसे से ली हो, अगर नहीं जानते तो सर प्री ज्वाइनिंग सोचिए नहीं, ये पावर है ओरिफ्लेम की। वो फिएट से भी नहीं सर, सफर तो शुरू हुआ था एलएमएल स्कूटर से, वो एलएमएल स्कूटर से सफर होते होते 2019 में आ गया ऑडी तक पे, लेकिन सपने भी खत्म नहीं हुए। मेरे गुरु ने मुझे बताया जैसे ही एक गोल अचीव करो अगले गोल की फोटो घर पे टांग दो, अगली फोटो टंग चुकी है मर्सिडीज की जो अगले एक साल के अंदर हम लोग अचीव करने वाले हैं, लेकिन लैम्बोर्गिनी पोर्श और रोल्स रॉयस भी है सर, और आज हमें पता है ये सपने सारे के सारे सपने पूरे होंगे क्योंकि हमारे पास है ओरिफ्लेम। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड, मेरा अपना फार्म हाउस, इसमें बहुत बड़ा पूल है, इसमें बहुत सारे कॉटेजेस हैं, आप देख रहे हैं मेरी फैमिली यहाँ पे, हम लोग अक्सर यहाँ जाते हैं, कई एकड़ में बना हुआ है ये, मैंने एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनाई जिसमें कैफे कॉफी डे है, जिसमें एक रेस्टोरेंट है, जिसमें बर्गर स्टेशन है, बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत घर। क्या हम सोच पाते, एक बैंक का कैशियर कभी सोच पाता कि उसका फार्म हाउस विद स्विमिंग पूल होगा, क्या सोच पाते मेरा एक कॉम्प्लेक्स होगा। मैंने ओरिफ्लेम के पैसों को जगह जगह इन्वेस्ट करना शुरू किया और आप देख रहे हैं आज हम लोगों ने एक कितना बड़ा एम्पायर बना दिया। ओरिफ्लेम सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, ओरिफ्लेम सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये है लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग अपॉर्चुनिटी।
थैंक यू सर. नेक्स्ट स्लाइड. ये बहुत हैप्पी मोमेंट से अपनी पहली कार की मैं चर्चा कर ही चुका हूं, वो क्या बात थी. दूसरी बात है वो फॉरेन ट्रिप. पहला फॉरेन ट्रिप को कैसे भूल सकता है. यकीनन ये पहला और आखिरी फॉरेन ट्रिप, तब तो आरती कहीं जाने नहीं देती हमको, लेकिन ये पहले ट्रिप में मैं ही जा पाया था. लेकिन इस ट्रिप में यकीनन पहला था इसलिए बहुत चार्ज थे ही. लेकिन इस ट्रिप में एक और मैं चीज सीख आया. मेरे साथ में एक चेन्नई के गोल डायरेक्टर थे जिनके दोनों पैर नहीं थे, वो बैसाखी से आए थे. मैं भूल नहीं पाया और उस दिन मेरी समझ में आया कि ओरिगेम हर कोई कर सकता है अगर उसके अंदर जज्बा है जीत का. तीसरा ऑडी. यकीनन ऑडी होना सर कितनी बड़ी बात होती है. तो ऑडी खरीदने के बाद पता चला, खरीदते वक्त भी नहीं पता चला कि जब किसी रोड से निकलो उत्तर प्रदेश में तो ऑडी और मर्सिडीज होना बड़ी बात है. तो जब भी निकलो तो कैसे लोगों की निगाहें कार के साथ साथ चलने लगती है. किसी पेट्रोल पंप पे रुके तो कुछ लोग आगे पूछने लगते हैं. सर बड़ा प्राउड फील होता है और मन होता है कि जब रॉल्स रॉयस आएगी तो क्या होगा. सिंगापुर ट्रिप एसएमसीसी क्लब की तरफ से हम लोगों ने क्वालिफाई किया. तो जब ये ओरिगेम की तरफ से फैमिली ट्रिप मिला, ये ट्रिप इसलिए मेमोरेबल था कि बहुत सारे देश तो घूमे थे लेकिन बच्चे को कभी नहीं ले जा पाए थे. ये पहला ट्रिप था जब मेरा बेटा मेरे साथ गया. और 2019 तो कभी हम लोग नहीं भूल पाए. सिर्फ एक साल में हम लोगों ने चार फॉरेन ट्रिप किए थे, गोल्ड ट्रिप, ये एसएमसीसी, डायमंड ट्रिप और एक ट्रिप अपने पास से किया था. 2020 लॉकडाउन नहीं हुआ था सर तो तीन ट्रिप तो अपने रखे थे. बैंकॉक भी था, स्पेन भी था और यूएसए भी था. लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो और सही, आगे और मिलेंगे, ट्रिप्स तो होगा. डायमंड कॉमोमरेशन आरती का पार्ट है, फेवरेट पार्ट है ये, इसलिए सर बड़ा इंपॉर्टेंट था. इस कॉमोमरेशन में पहली बार ऐसा हुआ कि आरती के साथ पूरा का पूरा हॉल रो रहा था. ये दिल का बिजनेस है सर. इस बिजनेस में क्या हुआ, ये बिजनेस आपको कितना प्यार करता है, आपकी उपलब्धि में लोग रो रहे हैं. ऐसा कहीं होता है आप अपना जब चेक बताते हैं कि मैंने इस बार इतना पैसा पाया है तो लोग ताली बजाते हैं, ऐसा कहीं होता है. वो सर यही होता है. ये दुनिया ही अलग है. ये बहुत हैप्पी मोमेंट्स है. थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड. 23 साल की जर्नी और ऐसा लगता है ये कल की ही बातें. हम चले जा रहे हैं. कहते हैं ना कि इंसान को चलते रहना चाहिए. चल रुका हुआ तो पानी भी सड़ जाता है. आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो और आप कहीं पहुंचोगे. और कमाल होता है सर, चलते लगातार रहने से कमाल होता है. अगर खुद पे विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी. और मैं एक मैसेज कुछ लोगों को देना चाहता हूं, वो ये कि दोस्त अपनी लाइफ का एक गोल जरूर रखना फ्रॉम द डे वन. क्योंकि लाइफ विदाउट गोल इज गोल. आप चलते तो जाओगे, पहुंचोगे कि नहीं, गोल गोल चले जा रहे हो. आप कहोगे चल तो रहे, चल रहे हो लेकिन पहुंच क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि तुम्हारा कोई गोल नहीं. और दूसरा, असफलता का कारण कभी बाहर नहीं खोजना, वो तुम्हारे अंदर ही है. बहुत सारे लोगों की जब डेथ हो जाती है तो पोस्टमार्टम करके कारण जो है बॉडी के अंदर ढूंढा जाता है. तो जब मौत का कारण अंदर है तो असफलता का कारण भी अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं. ये मत कहिए कि वो नहीं जुड़ते, उन्होंने नहीं किया, कुछ नहीं, सब आपके अंदर है. आप जिस दिन चाह जाओगे आप वंडर्स कर लोगे. तो दोस्तों ये 23 साल की जर्नी कब 46 साल की हो जाएगी, कब 112 साल की हो जाएगी. हमको चलते जाना है और हमको कुछ करके दिखाना है. यस सर. नेक्स्ट स्लाइड. सक्सेस टिप्स. यकीनन मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं ये. दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन. आप जितने डुप्लीकेट पैदा करो और उस पर काम करना पड़ेगा. डुप्लीकेशन लिख देना, एमबीए में पढ़ लेना ये आसान है सर, लेकिन डुप्लीकेट तैयार करना बहुत आसान नहीं. अगर आसान होता तो गवास्कर का बेटा आज की तारीख में खेल रहा होता, क्लाइव लॉयड का बेटा होता, अभिषेक बच्चन सुपरस्टार होता. आसान नहीं है लेकिन हर जगह लॉ ऑफ एवरेज काम करता है. जब आप मास रिक्रूटमेंट करते हो तो क्लास भी मिलता है. तो ये मेरा यहां पर मैसेज है आपको. सर नेक्स्ट. डिसिप्लिन के ऊपर आरती चर्चा कर ही चुकी कि बिल्कुल कसम खानी पड़ेगी. काम है, काम को शिद्दत से, इबादत से, पूजा की तरह, धर्म की तरह करना पड़ेगा. जो तय कर लिया वो उससे फिर पीछे नहीं हटना. आपने समय तय करना होगा. बिल्कुल वैसे आपकी एक दुकान है तो आपको पता है 11 बजे खोलना है, भले फूफा जी घर में आए हो. तो ऐसा थोड़ी ना कुछ दिन दुकान नहीं खोलेंगे, जाना है. मैंने नौकरी की 17 साल, मुझे पता है बारिश हो रही होती तो रेनकोट पहन के जाते थे. 2-4-5 मिनट की लेट ठीक थी, लेकिन नहीं आएंगे ये थोड़ी ना कोरा है, उससे क्या, जॉब पे जाना है. ये डिसिप्लिन जो हम लोग जॉब पे उन बिजनेस में जहां पे लाखों रुपए लगाते हैं वहां के कर सकते हैं, तो यहां क्यों नहीं कर सकते. डिसिप्लिन. सर नेक्स्ट.
सर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकम एन एग्जाम्पल फॉर टीम. लोग क्या करेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्या करेंगे इंपॉर्टेंट ये है. और आज इस पे मैं जरूर एक मैसेज देना चाहता हूं, हमारा जो नया सक्सेस प्लान है वो तो आया ही है कि हम लोग किस किन चीजों पे ज्यादा फोकस करें, लेकिन गोल्ड से ज्यादा फोकस करना से कम तो कोई बात ही नहीं. आप ओरिफ्लेम में आए, डे वन आपका प्लान होना चाहिए कि किस दिन आप गोल्ड कर रहे हैं. अगर आप सर गोल्ड नहीं कर पाए ना, तो इतने सालों के अनुभव में मैंने देखा डायरेक्टर लोग बन गए तो सिर्फ बने ही हुए हैं सर, और कुछ हो ही नहीं रहा. 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, और डायरेक्टर बन के मैंने बहुत सारे लोगों आते और जाते भी देखा, ये होता रहेगा. गोल्ड का मतलब कैसे, गोल्ड का मतलब आपको दो पाँव एक्स्ट्रा मिल गए, दो बैसाखी समझ लीजिए कि आपके दोनों पाँव में भी कोई दिक्कत होगी तो भी बैसाखी है. गोल्ड का मतलब कंपनी ने खुद ही बता दिया, ड्रीम प्रोग्राम तुम्हारा वेट कर रहा है, ले आओ लग्जरी कार, ले आओ बड़ा घर. गोल्ड का मतलब लाख रुपए की इनकम. गोल्ड का मतलब गोल्ड ट्रिप, फॉरेन ट्रिप्स की शुरुआत. गोल्ड ही वो चीज है जो इस बिजनेस में आपको सस्टेन कर रख सकता है, लॉन्ग टर्म लेके जा सकता है. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले खुद करिए. अगर आप नहीं कर पाएंगे तो टीम क्या करेगी, टीम हमेशा आपको देख रही है. बिकम एन एग्जाम्पल फॉर टीम. सर नेक्स्ट स्लाइड. टेक हायर गोल्स एंड शेयर इट विद एवरीबॉडी, डिक्लेयर योर सेल्फ. मेरा जो सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो सियाचिन ग्लेशियर पर मैंने स्कूटर लेके गया था, और मैंने सियाचिन की तब फोटो भी नहीं देखी थी, तो क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था. मैंने मीडिया को बुलाया और कहा कि मैं जाऊंगा वहां पे. लोगों ने कहा 22 साल का लड़का कैसी बातें कर रहा है. तो मैंने कहा पता है मैं ये ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं. लोगों ने कहा वो देखा तुमने, हमने कहा नहीं देखा, तो कैसे जाओगे. हमने कहा मेरा दिल कहता है, अगर कोई चीज दिल कहती है तो उसको डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत है. मैंने डे वन ओरिफ्लेम ज्वाइन करते वक्त कहा था, सबको पता है ये बात, कि मैं इस कंपनी से इसी साल कार लाऊंगा. डिक्लेयर योरसेल्फ. जब आप अपने आप को डिक्लेयर करते हैं तब आदर्श शक्तियां भी आपका साथ देने लगती हैं, और तब आपको फ्यूल मिलता है अपने काम को करने का. बड़े टाइटल्स के लिए सोचिए, जैसे आज की तारीख में प्रेसिडेंट के अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं. हाँ अभी तक मैं एग्जीक्यूटिव सोच रहा था. मैंने फेडरिक सर को मेल भी किया था कि इस साल के एंड तक हम लोग अपना एग्जीक्यूटिव शुरू करेंगे, लेकिन अब इतना प्यारा सक्सेस प्लान आ गया कि अब हमारे गोल्स और बढ़ गए. तो इसको गोल निर्धारित करिए एंड शेयर इट विद एवरीवन. सर नेक्स्ट स्लाइड. और आखिरी जो बात है यकीनन वो नॉलेज की बात है. नॉलेज आप जितनी रखेंगे उतना बिजनेस में आप कमाल करेंगे. हम इस बिजनेस को कितना बड़ा बना सकते हैं ये हमारे ऊपर है. आज की तारीख में हमारा विजन है कि हम इस बिजनेस को इतना बड़ा बनाएं कि आने वाली जनरेशन इस बिजनेस को तुरंत टेक ओवर कर ले. अंबानी का बेटा वही काम कर सकता है जो पिताजी कर रहे थे, टाटा का बेटा वही कर सकता है, अडानी का कर सकता है, सिंघानिया का कर सकता है, तो हमारा क्यों नहीं, हम इस बिजनेस को क्यों ना बड़ा बनाए. तो आखिरी बात सर नॉलेज की, यही मैं अपनी टीम में बताता हूं कि दोस्त ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको कितना बड़ा बनाना है ये तुम्हारे ऊपर है. तुम काबिल बहुत हो, तुम ट्रेन हो लेकिन पटरी नहीं है तो चल नहीं पाओगे. तुम लैम्बोर्गिनी कार हो लेकिन चलेगी नहीं अगर रोड नहीं होगी. तुम रॉकेट हो लेकिन वो हवाई अड्डे से नहीं उड़ेगा. तो दोस्त आज तुम्हारे पास ओरिफ्लेम का प्लेटफॉर्म है जो तुमसे कुछ भी करा सकता है, जो भी तुम चाहो. सर नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में यकीनन ये थैंक यू स्लाइड है. इस थैंक यू स्लाइड में मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा, टेक अथॉरिटी एंड चेंज योर डेस्टिनी. जीतना है तो जीत करो, और लॉकडाउन को हम लोग नॉकडाउन करके दिखाएं क्योंकि हमारे पास है ओरिफ्लेम की पावर. इन शब्दों के साथ अगेन मैनेजमेंट का, मेरी सारी अप्लायंस का, मेरे गुरुओं का थैंक यू, नमस्कार. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू शिफाली, हैप्पी बर्थडे. और अभी सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमसे हमारा ओरिफ्लेम जर्नी के बारे में जाना. और अब मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस बात के लिए. और थैंक यू अहद. थैंक यू वेरी मच आरती, एंड थैंक यू शिशिर जी, वेरी वेरी नाइस शेयरिंग आपने. ऑफकोर्स आप ही वो कपल है जिन्होंने एक्चुअली ओरिफ्लेम को लखनऊ में, यूपी में इतना स्प्रेड किया और एंट्री मिली. सो एंड सो थैंक यू सो मच फॉर द इंस्पिरेशन, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर.